Hey everyone, welcome to Biology at Ease. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 40 डेज टाइम टेबल फॉर नीट 2020. 40 डेज तक क्या स्केड्यूल आप फॉलो करें, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए जिसकी वजह से 3 मई तक आप प्रिपेयर्ड हो जाएं अपने एग्जाम के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं सुबह के 5:30 बजे से. मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका दिन स्टार्ट होगा सुबह के 5:30 बजे. अच्छा, टाइम टेबल बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है जिसको फॉलो करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इस टाइम टेबल में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर ये टाइम टेबल आपके डेली रूटीन में फिट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रेणुका अंथवाल बायोलॉजी एट ईस्ट की होस्ट जो टाइम टेबल बताएगी वही एग्जैक्ट करेक्ट टाइम टेबल फॉलो करके आपका नीट क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं या फिर इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. ठीक है, अब आपका रूटीन स्टार्ट हो रहा है सुबह 5:30 बजे. मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह के 5:30 से 6 बजे तक आपका ब्रेक टाइम होगा. ये कौन सा ब्रेक टाइम है? जिसमें कि आप फ्रेश हो जाएंगे, फेस वॉश करेंगे, मींस यू हैव टू गेट रेडी, पढ़ने के लिए आपको तैयार होना है. ठीक है, 5:30 to 6 इज योर ब्रेक टाइम. नाउ 6 to 7:30 जो सुबह सुबह के 1.5 घंटे होंगे, जब आपका मूड एकदम फ्रेश है तो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अंडरस्टैंडिंग, समझने की भी जरूरत है, आपको क्रैम करने वाले टॉपिक्स भी काफी आएंगे. तो इसीलिए आपको क्या करना है, सुबह के 1.5 घंटे बायोलॉजी को देने हैं. उसके बाद बायो पढ़ने के बाद 7:30 to 9 आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री. आप चाहे तो 7:30 से लेकर 7:45 तक 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए. चाहे तो केमिस्ट्री की जगह यहां पर फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, जो मुझे सूटेबल लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूं. ठीक है, बायोलॉजी आपने पढ़ी, उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक आपने पढ़ा केमिस्ट्री. नाउ 9 to 10 एक घंटा मैं पूरा आपको दे रही हूं ब्रेकफास्ट का. इस एक घंटे में ब्रेकफास्ट करिए, उस खाने को पचाइए, वॉक करिए, घर वालों से बातचीत करिए, पूरा एक घंटे का आपको टाइम मिल रहा है. हर किसी के घर में ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे तक नहीं होता है, तो यहां पर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, तो 9 से 10 आपने किया ब्रेकफास्ट. नाउ 10 से 10:15 फिर आपको ब्रेक टाइम मिल रहा है कि भाई अब आपने जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना है आप उसका स्टडी मटेरियल अपने सामने रेडी रख दीजिए. ठीक है, कि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े कि ये बुक कहाँ है, ये पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है. तो 15 मिनट आपको दिया है ब्रेक टाइम, जिसमें अब आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका स्टडी मटेरियल अपने सामने रेडी रखें कि आपको पढ़ते हुए बीच में फिर उठने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, उसके बाद 10:15 से लेकर 12:15 तक मैं आपको पूरे 2 घंटे दे रही हूँ फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में. तो आपको पूरे 2 घंटे मिल रहे हैं यहाँ पर, आप फिजिक्स करिए. अच्छा, जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में क्या होता है, हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं. डाउट्स को कैसे क्लियर किया जाए, प्ले स्टोर पर एक ऐप है डाउट नट नाम से, DOUBTNUT डाउट नट एक ऐप है प्ले स्टोर पर, जो कि आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है आपके हर एक डाउट के. आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है, डाउट नट ऐप डाउनलोड करिए, पिक्चर क्लिक करिए अपने डाउट की, उस इमेज को क्रॉप करिए ताकि क्लियर इमेज आपके पास आ सके. अब डाउट नट ऐप में सबमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए. विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपके डाउट के. तो इस तरीके से आपको डाउट नट ऐप को यूज करना है. तो ऐसे ही कुछ ऐप्स के थ्रू आप घर पर बैठे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, 12:30 to 1 आपको पूरा आधा घंटा मिल रहा है जिसमें कि आप लंच करेंगे. ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के बाद आपने लंच किया, उसके बाद 1 से 3 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, आपने यहां पर जो फिजिक्स पढ़ी थी उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको टफ लगे और आपको लगता है कि आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत है. तो जो आपका 1 से 3 बजे का टाइम है वो आपका फिजिक्स का टाइम होगा, जिसमें आपने यहां पर जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद 3 से 3:30 आपका ब्रेक टाइम है. लेकिन 3 से 3:30 के ब्रेक टाइम में आप प्लीज सोइएगा नहीं, क्योंकि नीट की टाइमिंग क्या होती है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि नीट के एग्जाम की डेट आने से 1.5 महीने पहले आप लोग फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि इस टाइम पर जो 1 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम है उस टाइम पर आपका मूड एकदम फ्रेश रहे. तो अपने स्केड्यूल में अभी से ये आदत डाल दीजिए कि आपको 5 बजे तक बिल्कुल भी ब्रेक टाइम में सोना नहीं है.
क्योंकि इससे क्या होगा, जब नीट का एग्जाम होगा उस दौरान भी एग्जाम देते हुए आपको नींद आ सकती है, ठीक है। तो जो आप 3 से 3:30 का यहाँ पर टाइम ले रहे हैं ब्रेक का, वहां पर आप सोएंगे नहीं, आप वॉक कर लीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन प्लीज सोइएगा नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, नीट एग्जाम के दिन पड़ सकता है, आपको एग्जाम देते हुए नींद आ सकती है। उसके बाद 3:30 से 5:30 बजे तक आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा दीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीटली आपको मैं चॉइस दे रही हूँ कि यहाँ पर आप किसी भी एक सब्जेक्ट या फिर चाहे तो तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि पूरे दिन भर अभी तक सुबह तक मैंने जो कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड मुझे कितना कुछ आ गया है, ठीक है। उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक आप लोगों का रेस्ट टाइम है, कोई गेम खेलना चाहते हैं कोई गेम खेल लीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी है, फ्रेंड से फोन पर बात करनी है, वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। 7 से 8:30 डेढ़ घंटे का टाइम इज अगेन फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या करेंगे, चाहे तो ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लीजिए जो आपने सुबह पढ़ा था, या फिर किसी नए टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद 8:30 से 9:30 इज अगेन योर डिनर टाइम प्लस योर ब्रेक टाइम, टीवी देख लीजिए, फैमिली के साथ डिनर करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने फैमिली के साथ, ठीक है। उसके बाद 9:30 से 11:30 आपको 2 घंटे मिल रहे हैं जिसमें आपने पूरे दिन भर जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। बहुत जरूरी है कि आप लोग 24 घंटे में जो कुछ भी सुबह दिन में पढ़ते हैं उसको रात को रिवाइज करके सोए, ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि क्या मैंने जो कुछ भी सुबह पढ़ा था वो मुझे अभी तक याद है, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि हाँ मेरा इतना परसेंट सिलेबस कवर हो गया है। तो रात को सोने से पहले पूरे दिन भर जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके जरूर सोइएगा, ठीक है। तो ये था मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल जो कि मुझे लगता है काफी फ्लेक्सिबल है, हर बच्चे को सूट कर सकता है। अगर फिर भी आपको इसमें इंप्रूवमेंट लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कॉन्फिडेंट होकर प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।